बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नागपुरा गांव में हुए 2.5 साल के मासूम रियांशु हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद यह बात सामने आई है कि अवैध संबंध के कारण बच्चे की हत्या हुई है। जानकारी के मुताबिक मृत बच्चे की माँ का उसी के गाँव के एक व्यक्ति के साथ काफ़ी लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। जानकारी के मुताबिक जिस बच्चे की हत्या हुई है उसके बारे में बच्चे की माँ का दावा था कि वह बच्चा उसके प्रेमी का ही है। इधर आरोपी की शादी तय होने के बाद बार बार महिला के द्वारा उसे इस बात की धमकी दी जा रही थी कि अगर उसने शादी की तो मैं दुनिया के सामने जग जाहिर कर दूंगी कि यह बच्चा तुम्हारा है। जाहिर है प्रेमी के लिए अब बच्चा उसके रास्ते का कांटा बन चुका था, लिहाजा प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बच्चे को रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने बच्चे को गायब किया और फिर उसकी हत्या कर शव को छुपा दिया। पुलिस को मामले में एक्टिव होते देख उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर बच्चे के शव को गाँव में ही फेंक दिया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिमरी में परसों एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें एक 3 वर्षीय बालक की मिसिंग होने की बात बताई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ एक सर्च अभियान चलाया था और उस पूरे जो गांव था उसको सील भी कर दिया, लेकिन बच्चे को रिकवर नहीं किया जा सका। बाद में कल सुबह में बच्चे की डेड बॉडी एक घर के सामने से बरामद हुई, तो उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को शुरू में शक के आधार पर पूछताछ के लिए थाने पे लाया और उसके बाद तो उस डिटेल पूछताछ के क्रम में उसने उसकी हत्या करने की बात कबूल ली है। उसने कन्फेशन में यह बात भी कबूल ली है कि बच्चे के डेड बॉडी को जो दूसरे के घर के सामने फेंका गया था वो एक्चुअली पुलिस को भरवाने के लिए फेंका गया था। इसके साथ साथ वो जो हत्या करने की जिसने बात कबूली है उसके जो परिवार वाले थे साक्ष्य छुपाने में उसकी मदद भी किए हैं, तो उसके आधार पे एक और लोग को भी अरेस्ट किया गया। बाद में उसके कन्फेशन स्टेटमेंट के आधार पे बच्चे का जो गले का वो धागा होता है वो भी घटनास्थल से रिकवर किया गया है। तो कुल मिला के ये केस डिटेक्ट हो गया है और हत्या करने के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वह अवैध संबंध को छुपाने के लिए उसने हत्या कर दी।